अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। सुबह सुबह फजर की नमाज़ के लिए उठा तो मैसेज पढ़ा था कि रूबी का लियाकत, उनकी अम्मी जान जो हैं वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं, उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए, हमारा मतभेद जो है रूबी का लियाकत से हो सकता है, लेकिन इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं और हम सभी उनकी अम्मी जान के लिए मगफरत की दुआ करते हैं। अल्लाह उनकी अम्मी की मगफरत फरमाए और उनकी कब्र की जो पहली मंजिल है उसको आसान फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और इस बीमारी में जितने लोग भी दुनिया से जा चुके हैं, हमारे देश से जा चुके हैं, उन सब की मगफरत फरमाए। देखिए, सोशल मीडिया पर कोई भी किसी तरीके का मजाक ना बनाए, किसी भी तरीके की कोई फालतू पोस्ट ना करे। ये दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हमारे आपसी मतभेद रूबिका से हैं। रूबिका, इस घड़ी में हम आपके साथ हैं, आपके दुख में शामिल हैं, और अल्लाह ताला आपकी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। सभी के लिए दुआ करें कि इस बीमारी से हर किसी को अल्लाह बचा के रखे। कोरोना के बाद अब ये ब्लैक फंगस जानलेवा आ चुका है, तो सारी बीमारियों से अल्लाह हमारे देश को महफूज रखे। और दुआ करें सभी के लिए, जितने भी लोग दुनिया से जा चुके हैं उनकी सबकी अल्लाह मगफरत फरमाए। और प्लीज़ सोशल मीडिया पर इनकी अम्मी को लेकर कोई भी उल्टी सीधी बातें मत लिखना। मतभेद आपका रूबिका से हो सकता है, लेकिन इस घड़ी में हम उनके साथ हैं।